डॉक्टर जी, मैं टेनी और वो मेरी बड़ी दीदी शौर्वरी, इन्हीं को चक्कर आ गए थे। ओके, लेट मी चेक हर। मतलब शौर्वरी दीदी को ना आयरन टैबलेट से एलर्जी है। अच्छा, क्या तुमने मुझे बता दिया। लगता है काफी अच्छे से ख्याल रखती हो अपनी बहन का। ये आपकी बहन को दवाइयाँ रेगुलरली लेनी होगी और इसका ध्यान तुम्हें ही देना होगा। जी, खूब भालो। डॉक्टर जी, आप ही कुछ बोलिए ना इसे। बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती है, खाना पीना भी वक्त पे नहीं खाती। ऐसी हालत में ऐसे She will. Don't worry. शौर्वरी कैसी है? घबराने जैसी कोई बात नहीं है, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है और होने वाला बच्चा भी। थैंक यू डॉक्टर। इतने झूठ बोलने पड़ेंगे हमें अपने अपनों से। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि ये हमारा आखिरी झूठ हो और जिंदगी में दोबारा कभी इस डॉक्टर के सामने ना जाना पड़े। मैं भी चलपा बुआ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक प्रेगनेंसी की ड्यू डेट नहीं आ जाती वो किसी कॉन्फ्रेंस में ना जाए। हम तो घबरा ही गए थे। आपने हमारी चिंता दूर कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरा काम है, एक बात करना चाहती थी आपसे। हाँ, पूछो ना। एक्चुअली रमनिक भाई नोस, मैं एक डॉक्टर होने के साथ एक माँ भी हूँ और मेरा एक बेटा है। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। राज बाबूजी बहुत ही अच्छा लड़का है, स्मार्ट, हैंडसम और हाईली एजुकेटेड। और उसकी उम्र भी आपकी पोती के बराबर ही है, तो अपने बेटे के लिए मैं आपकी पोती का हाथ मांगना चाहती हूँ। किस पोती की बात कर रही हैं? सेजल या जागृति? ले तेरे कपड़े, मेरे को तो समझ नहीं आता कैसी लिपटी रहती है तू इनमें सारा दिन। मैं तो थोड़ी देर में जान निकल गई। यानी वैसे मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसी गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। वो क्या है कि तुम अकेली नहीं हो ना, हमारा बच्चा भी है तुम्हारे पास। समझ गई। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे को नहीं मालूम था ना कि इस घर में इतने डरावने होंगे, इतने डरावने होंगे। मैं तो आजकल सोचने लगी हूँ कि मैं क्यों ना तुमसे ना एक्स्ट्रा पैसा लेने शुरू कर दूँ डरावने और रायता समेटने का, है ना, क्योंकि वो डील में शामिल नहीं था ना। क्या? क्या हुआ? टेनी क्या हुआ? मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतनी रो रहा है, वो रोट रो टाइप का बार-बार पे रोता है। तू उसकी तरफ क्या देख रही है? बच्चा मेरे पेट में क्या पिरो रहा है? ए, तू रोना बंद कर, तू बाहर निकलेगा ना तो मैं तेरे को दो रख के दूंगी। बच्चा क्या बोल रही हो? तुम्हें सच में पता चलता है बच्चा पेट में रो रहा है? हाँ, पता चलता है। एक नंबर का रोतड़ू बच्चा है, क्योंकि उसकी माँ एक नंबर की रोतड़ू है ना, बात बात पे टेंशन लेती है, चक्कर खा के गिर जाती है, तो बच्चा भी वैसे ही होगा ना। वैसे क्यों देख रही? बच्चा भले मेरे पेट में पर है तो तेरा ही ना, तो तेरी गुनाएंगे ना उसमें, एक नंबर का रोंतड़ू पैदा होगा। अगर तू चाहती है ना कि तेरा बच्चा रोंतड़ू नहीं निकले तो फिर तू मुझसे प्रॉमिस कर, ऐसे टेंशन नहीं लेगी, बात बात पे घबराएगी नहीं, क्योंकि अगर तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो मेरा टंडू का ख्याल कौन रखेगा, है ना। चल प्रॉमिस कर कि तू अपना ख्याल रखेगी। प्रॉमिस, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी ताकि मैं तुम दोनों का और भी अच्छे से ख्याल रख पाऊं। गुड गर्ल। और तू कैसे दांत चमका रहा है? सोच रहा हूँ कि कितने दिनों बाद हमें ऐसे मुस्कुराने का मौका मिला, वरना पहले वो दो लड़के फिर अब ये डॉक्टर, बाल बाल बच्चे।
मेरे ख्याल से उसका नाम टेनी है, मैं अभी मिली थी उसको आपकी बहू के रूम में। उसकी उम्र भी शादी के लायक है। अगर आप अपनी पोती के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि मेरे प्रपोजल पे भी विचार करें। मुझे लगता है मेरे बेटे की और आपकी पोती की जोड़ी बहुत जमेगी। सही बोल रहा है, और जब तक तेरे दादाजी को कोई और नया नमूना नहीं मिल जाता ना, तब तक हमें ऐसे ही बचे रहेंगे। नहीं मुझे नहीं लगता कि दादाजी को इतनी जल्दी अब एक और लड़का मिलेगा। तेरे दादाजी का भी पता नहीं। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? या मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आपको अपने बेटे के लिए टहनी पसंद आई है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। शायद इसीलिए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। टेनी बहुत ही संस्कारी लड़की है, मुझे तो एक नजर में ही पसंद आ गई थी। अरे कौन किसे पसंद है, हमें भी तो बताओ। बा, टेनी बिल्कुल ड्रीम बहू है। अगर वो हमारे घर आ गई तो हमारे बेटे के तो भाग्य खुल जाएंगे। और अगर आपको एतराज ना हो तो मैं मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को टेनी से मिलवाना चाहती हूँ। और भगवान ने चाह और सब कुछ ठीक रहा, फिर हम चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। हमें क्या एतराज हो सकता है भला, आपका घर है, आप जब चाहे तब लेकर आ सकते हैं उन्हें। एक बात मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ, टेनी हमारी बेटी जैसी है बेटी नहीं है। वो हमारी बड़ी बहू है ना शौर्वरी, उसकी कजिन बहन। अगर आप ये बात नहीं भी बताते तो भी मुझे पता चल गई थी। शौर्वरी दीदी को ना आयरन टैबलेट से एलर्जी है। जो अपनी बहन का इतना ख्याल रखती हो, जिसे अपनी बहन की प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर चीज पता हो, ऐसी सुशील लड़की कहाँ मिलती है। वो बच्ची जिस भी घर में जाएगी वो इतना ख्याल रखेगी सबका, यही सोच के मैं बहुत खुश हूँ। और आजकल की डेट में ऐसी संस्कारी लड़कियां होती ही कहाँ हैं। टेनी और संस्कारी, वैसे आप जो कह रही है बिल्कुल सही है, लेकिन एक और बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं। टेनी दरअसल बंगाली है। हाँ बा, हमने भी कभी ये नहीं सोचा था कि हम हमारे बेटे की इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। पर अगर आप जैसे खानदानी लोग शौर्वरी को नजरअंदाज कर सकते हैं उनका बंगालन होना, तो हम क्यों नहीं। और वैसे देखा जाए तो किसी भी एंगल से टेनी बंगालन लगती ही नहीं है, क्यों बाबूजी? ये आपकी बहन को दवाइयाँ रेगुलरली लेनी होगी और इसका ध्यान तुम्हें ही देना होगा। खूब भालो। क्या बात कर रहे हैं, टेनी तो बिल्कुल बंगाली ही है। अरे उसकी बोलचाल से बंगाली एक्सेंट साफ पता चलता है। इनफैक्ट आपकी बहू शौर्वरी बंगाली लगती ही नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, जल्दी आऊंगी अपने परिवार के साथ टेनी को देखने। जी बिल्कुल, मैं सब तैयारी कर लूंगा और फिर आपको इन्फॉर्म कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेनी बंगाल। कमाल जी ने, इन्हें टेनी इतनी पसंद आ गई, अब टेनी ने बंगाली लग रही है। ये श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा है टेनी पर, अब बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता थोड़ी ना मिलता है। हाँ, वो तो है। सीओ, कुछ सही नहीं हो रहा है, और ना होगा। सीओ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ओहो फोरम, क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो? अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जाके बात भाई से बात करो ना। तुम्हें पता है सारी मेरी ही गलती है, जो आके मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मैं ही पागल हूँ, पहले सारे घर वालों ने मुझे डांटा और अब तुम भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो। पर अगर ऐसे कोई भी बात नहीं होती तो टेनी की शादी क्यों नहीं होने दे रहे पार्थ भाई? कुछ ना कुछ तो जरूर है। फोरम मेरी बात सुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सच सच आके मैंने तुम्हें बता दिया। पार्थ भाई तो खुद उस लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर आए थे, उसी वजह से तो सगाई टूटी। ऐसा नहीं है कि कोई चाल है या कोई जानबूझ के चाहता है कि टेनी की शादी ना हो। मेरा यकीन मानो, मैं भैया को अच्छी तरह से जानता हूँ। बस छोड़ो उन बातों को,
मुझे वैसे भी एक मीटिंग पे जाना और देर हो गई मुझे। जल्दी से एक अच्छी सी स्माइल दो, क्यूट वाली। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 1 2 3। हाँ मैं चलता हूँ, ऑफिस से फोन कर। चौधरी प्लीज मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ला मैं देखती हूँ। मीटिंग छोयू का अटेंड कर लेगा। तुम यहाँ रुको, मुझे तुमसे खास बात करनी है। कैसी बात दादाजी? बेटा टैनी के लिए सामने से खुद चल के बहुत अच्छा रिश्ता है। रिश्ता? हाँ बहुत किस्मत वाली है टेनी, है ना? अब दादाजी किसका रिश्ता? बेटा कल जो डॉक्टर आई थी ना शोरवरी बहू को देखने के लिए, हाँ उसे टेनी बहुत पसंद है और उसने अपने इकलौते बेटे के लिए जो कि एक डॉक्टर है टेनी का हाथ। डॉक्टर जी मैं टेनी और वो मेरी बड़ी दीदी शौर्वरी। पानी दो बात को। सब ठीक है ना? आप? बिल्कुल। बेटा उनका नाम डॉक्टर जवेरी है, उनका पति और बेटा दोनों डॉक्टर हैं। आज शाम को टेनी को देखने आ रहे हैं। आज शाम को? है ना ये खुशी की बात? आज शाम को